एक्सेस ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस इज अ स्टोरी नेम रॉबर्ट ब्रूस एंड द स्पाइडर। अब रॉबर्ट ब्रूस एक राजा था, आपने नाम सुना होगा, कहीं कहानी पढ़ी होगी मकड़ी के जाल की, मकड़ी की और रॉबर्ट ब्रूस की ये कहानी है। ओके, मैं अब आपको ये कहानी समझाती हूँ। रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड का बड़ा सा राजा था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस। ही फॉट वेरी हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश। उसने बहुत लड़ाई लड़ी, स्कॉटिश लोग होते हैं ना, उन्होंने अंग्रेज़ों से बहुत लड़ाई लड़ी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। बट ही फेल्ड मैनी टाइम्स, लेकिन वो बहुत बार हार गया। ही वॉज बैडली डिफीटेड, वो बुरी तरह हारा। ही रैन अवे इन टू द फॉरेस्ट एंड हाइड इन ए केव। वो जंगल में भाग गया और एक गुफा में छिप गया। वन डे ही नोटिस अ स्पाइडर, इट वॉज ट्राइंग टू रीच द सीलिंग। एक दिन उसने एक मकड़ी को देखा, स्पाइडर को देखा, जो कि छत पर चढ़ना चाहते थे। इट क्लाइम्ब एंड फेल, वो चढ़ती थी और गिर जाती थी। बट द स्पाइडर डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन जो मकड़ी थी उसने अपना हार्ट लूज नहीं किया, मतलब हार नहीं मानी। द स्पाइडर बिगेन टू क्लाइंब अप अगेन, वो बार बार ऊपर चढ़ने लगा। इट वेंट अप स्टेडली इंच बाय इंच, अब वो तेज़ी से इंच बाय इंच आगे चढ़ने लगा। एट लास्ट इट रीच द रूफ इन द सेवंथ अटैम्प्ट, और सातवें अटैम्प्ट में सातवीं बार कोशिश करने पर वो सीलिंग पे चढ़ गया। द किंग लर्नड अ लेसन, जो राजा था उसने एक सबक सीखा। ही वंस अगेन रेज्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, उसने फिर से अपनी एक आर्मी बनाई। ही फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश, उसने फिर से अंग्रेजों से इंग्लिश से लड़ाई की। ही वॉन बैक द लिबर्टी ऑफ हिज कंट्री, उसने फिर अपने देश की आज़ादी हासिल की। तो इसका मॉरल है, ट्राई एंड ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, तब तक कोशिश करो जब तक आप जीत नहीं जाओगे। अब इसकी कहानी से एक्चुअली ये है, अभी एक राजा था स्कॉटलैंड का, जो अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उसने कई बार लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हर बार हार जाता था। कई बार तो वो इतनी बुरी तरीके से हारा, एक बार तो इतनी बुरी तरीके से हारा कि वो वहाँ से भाग के जंगल में चला गया और एक गुफा में छुप गया। अब गुफा में बैठे बैठे वो सोचता रहता था, मैं क्या करूँ, कैसे अपना देश आज़ाद कराऊँ, ये करूँ वो। तो एक दिन वो नोटिस करता है एक स्पाइडर को, एक मकड़ी को देखता है। तो वो देखता है कि वो ऊपर छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब भी वो चढ़ता है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन वो अपना कोशिश हार नहीं मानता, वो अपनी कोशिशों पे हार नहीं मानता। वो फिर से नीचे गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर वापस से चढ़ता है। ये ऐसे करते करते वो इंच बाय इंच आगे बढ़ने, धीरे धीरे स्टेडली, मतलब धीरे 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 वो इंच बाय इंच आगे बढ़ने लग जाता है। एट लास्ट इट रीच द रूफ इन द सेवंथ, और सातवें अटैम्प्ट में वो छत तक पहुँच जाता है। अब जो राजा है वो इससे लेसन सीख लेता है, भाई उसने इतनी बार मेहनत की और वो उसने जीत हासिल की, तो क्या हुआ मैं इतनी बार हार गया, क्यों ना मैं फिर से कोशिश करूं। उसने फिर से अपनी एक आर्मी बनाई, आर्मी बना के उसने अंग्रेज़ों से फिर लड़ाई की, इंग्लिश से फिर लड़ाई की, और उसके बाद वो अपने देश की आज़ादी जीत गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। ओके, अब ये भी स्टोरी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। थैंक्स, डेट्स ऑल फॉर टुडे।